नमस्कार सभी को। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। जिस तरह से हमारे देश में कोरोना वायरस की वजह से हमारा जो देश है एक बहुत ही मुश्किल से दौर से गुजर रहा है, और इस दौर में हमारे देश के चाहे सेना के जवान हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, या खेतों में काम करने वाले जो हमारे देश के किसान हो, योद्धा बन करके अपना जो फर्ज है वो अदा कर रहे हैं। और हमारे इस लॉकडाउन की वजह से जो बच्चे हैं वो भी, उनकी भी जो पढ़ाई है रुक गई है, लेकिन जो लोमो स्कूल के जो सभी अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं उन्होंने बच्चों की पढ़ाई नहीं रुके, वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन जो क्लास शुरू की है काबिले तारीफ है। तो हम आज अकाउंट्स की जो वीडियो लेकर के आए हैं आपके लिए, सभी बच्चों के लिए, ये प्लस वन और प्लस टू दोनों के लिए है। आज हम कुछ बेसिक चीजें अकाउंट की करेंगे बच्चों। तो देखिए, आज हम करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। देखिए, हम जिस चीज के लिए अकाउंट्स बनाते हैं वो होता है बिजनेस। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बिजनेस क्या होता है। बिजनेस क्या होता है? जिसका मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, यानी कि बिजनेस का मेन उद्देश्य क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। यानी कि बिजनेस बच्चे उसे कहा जाता है जिसका उद्देश्य, जिसका पर्पस, जिसका मोटिव ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना होता है। जहां पर वस्तु और सेवाओं का क्रय और विक्रय यह सोचकर किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, तो उसको बच्चों हम क्या कहेंगे? बिजनेस। उसके बाद बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें कैपिटल की जरूरत पड़ती है। तो जब एक व्यक्ति के द्वारा, जो बिजनेस को चलाने वाले जो स्वामी होते हैं, जो उसके ओनर्स होते हैं, उनके द्वारा जो अमाउंट लगाई जाती है बिजनेस को चलाने के लिए, जो धनराशि लगाई जाती है, उसको हम कैपिटल कहते हैं। जो कैपिटल हो कैश के रूप में भी हो सकती है, या फिर अपनी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, या दोनों भी हो सकती है। जैसे मान लो हमारे पास कोई गाड़ी है तो उसका यूज कोई भी व्यक्ति अपने बिजनेस में भी कर सकता है। यानी कि कैपिटल क्या होती है, दोबारा से फिर देखेंगे सभी बच्चे कि एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल की जरूरत होती है। तो जो अमाउंट बिजनेस के स्वामी के द्वारा अपने बिजनेस में लगाई जाती है उस अमाउंट को हम कैपिटल कहते हैं। वह कैश के रूप में भी हो सकती है और पर्सनल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, या दोनों चीजें हो सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे एसेट। हिंदी में एसेट को कहते हैं संपत्ति। यानी कि एसेट क्या होती है? हमारे बिजनेस के अंदर जितनी भी चीजें होती है जिसके ऊपर एक स्वामी का अधिकार होता है, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, उसको हम एसेट बोलेंगे। या हम कह सकते हैं कि एसेट एक ऐसा वैल्यू होता है जिसका बेनिफिट हमें आने वाले फ्यूचर में मिलता है। यानी कि कोई भी ऐसा वैल्यू जिसका बेनिफिट हमें बच्चों फ्यूचर में मिलेगा, उसको हम क्या कहते हैं? एसेट। उसके बाद होता है एक्सपेंस। हिंदी में इसको खर्चे बोला जाता है, लेकिन एक्सपेंस क्या होता है? जैसे सैलरी देनी है, रेंट देना है, कमीशन देना है। बिजनेस के द्वारा जो रेंट दिया जाता है, कमीशन दिया जाता है, सैलरी दी जाती है, इसको हम एक्सपेंस बोल रहे हैं। या हम कह सकते हैं शॉर्टकट में इसको कि एक्सपेंस एक ऐसा वैल्यू होता है जिसका बेनिफिट